हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, उसमें एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सम सॉल्व करेंगे। उसमें पहला हमारा सम है 2 - 3/5। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन को माइनस करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं, तो उसमें नीचे आप 1 लिख सकते हैं। -3/5। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, जो फ्रैक्शन में आपको प्लस माइनस करना है, तो जो डाउन का नंबर है, नीचे दिया गया डाउन का नंबर, वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो आपको LCM निकालना पड़ेगा। LCM तो यहाँ का LCM है 1/5, यहाँ पे 5 LCM निकलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा। तो 1 के साथ में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 5 होगा, तो 5 1/5 और हमें मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है, ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, और यहाँ कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ 5 ऑलरेडी पहले से है। उसके बाद 2 - 5 = 10, 10 - 5 - 3/5 = 10 - 3/5 = 10 - 3, 10 - 3 = 7/5। ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स, सबसे हमें क्या करना है, हमें नीचे के जो डाउन डिजिट है, डिनोमीटर, उसको चेक करना है कि वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें LCM निकालना पड़ेगा। LCM निकालने के बाद हम प्लस माइनस करेंगे, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ और कुछ नहीं होगा तो आपको 1 लिख देना है। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर टू है 4 + 7/8। तो उसमें इसमें भी ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 1 + 7/8। उसके बाद हमें LCM लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले डिजिट है वो अलग अलग है, इसलिए 1 + 8 = 8, LCM 8 आएगा। तो यहाँ हमें 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ तो 8 पहले से मौजूद है। 1 + 8 = 8, और यहाँ पे 4 + 8 = 32, 32/8 + 7/8। उसके बाद हम इसका प्लस करेंगे, 32 + 7/8, तो आंसर मिलेगा हमें 39/8। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें भी फ्रेंड्स, हमें LCM लिया और उसके बाद पूरा प्लस की जो प्रक्रिया थी हमने की। अभी आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा हमारा सम है 3/5 + 2/7। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 5 है यहाँ 7 है, इसलिए LCM लेना पड़ेगा। तो LCM हमारा होगा, LCM = 35, 5 × 7 = 35। तो यहाँ हमें 35 करना पड़ेगा, यहाँ हमें 35 करना पड़ेगा। तो 5 को मैं कितना किस डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा 35 आएगा, तो 5 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 आ जाएगा, +2/7 × 5/5। मैं 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यह 35 हो जाएगा। अभी आगे 3 × 7 = 21 - 35 + 2 × 5 = 10/35। आंसर आ गया 21 + 10 = 35। 21 + 10 = 31/35। ये हमारा आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको आगे बढ़ना है। LCM सबसे पहले मेन इसमें LCM है, LCM आपको निकालते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। देखो यहाँ पे 31/35 हमारा आंसर आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है सम 9/11 - 4/15। अभी हमें LCM लेना पड़ेगा, कितना LCM हम लेंगे, तो 11 × 15, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 × 11, यहाँ दो डिजिट है, एक जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 =
फाइव, वन वन जा वन, वन फाइव जा फाइव, वन वन जा वन, आंसर आएगा 165, तो हमारा एलसीएम होगा 165। फ्रेंड्स अभी एक कॉमन चीज़ आप देखो, अगर कोई मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ होगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। यहाँ भी देखो 35 में भी यही हुआ था, 35 का मल्टीप्लाई 7 यहाँ होगा तो 5 वहाँ होगा, तो इस तरह इसमें भी ऐसा ही होगा। देखो 9/11 इसको मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 135 मिल जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई में 11 करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा 165। अभी 9 15 9 135, नीचे 165 माइनस 44/165। अभी इसका हम आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे 44 में से 165, तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ 135 माइनस 44, 5 में से अगर बोर निकालोगे तो 1 या कुछ नहीं है, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 13 में से 4 निकालोगे तो 9, तो आंसर आएगा 91/165, ये हमारा आंसर हुआ। फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा कि इस तरह हम एलसीएम निकाल रहे हैं, पूरा एलसीएम के बाद हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें माइनस करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो हमारा सम है वो ऐसा है कि 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, सो हम पहले एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ साइड में मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ 2 5 10। देखो ये 2 से हमें स्टार्ट करना है एलसीएम में, 2 2 1 2, 5 का 5 और 2 2 के टेबल में 10 आएगा तो 2 5 10 ऐसे लिखना है, फिर 5 के टेबल में बोलना है 1 तो 1, जहाँ जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपको करते रहना है, 5 1 5 और 5 5 5 1 5 हो गया 1 1 1 तीनों में। अभी इसको दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 5 = 10, तो हमारा एलसीएम आएगा कितना आएगा, एलसीएम 10, एलसीएम इज इक्वल टू 10। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो जो 10 है इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 2/2, क्योंकि 5 2 10 10 आ जाएगा, प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 5/5, यहाँ पे 2 × 5 इज इक्वल टू 10। 7/10 प्लस 2 2 4/10 प्लस 3 5 15/10, सो आंसर ऐसा आएगा 7 + 4 + 15/10। अभी 15 + 4 = 19, 19 + 7 = 26, 26/10, ये आंसर हमारा ऐसा हो सकता है, 26/10 ऐसा आंसर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ 26 और 10 उसको हम कट कर सकते हैं, कैसे, 26 13 2 13 2 26, यहाँ पे 5 2 दोनों में 2 2 है, इसलिए आंसर आएगा 13/5। तो आप इसको, ये आंसर सही है लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको हमें मिक्स्ड जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें हमें लिखना पड़ेगा, तो 2 3/5, 5 + 2 = 5 × 2 = 10, 10 + 3 = 13, तो ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसमें कुछ नया नहीं है, कट होगा तो आपको कट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे जाना है और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो हमारा नीचे के डिजिट थे उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके प्लस किया, प्लस के बाद हमने यहाँ पे कट किया, अगर कट हो सकता है तो कट करना है, और उसके बाद हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हमने ये कर दिया। अभी हम अगला हमारा सम देखते हैं, अगला हमारा सम है 2 2/3 + 3 1/2, सो हमें यहाँ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तो ऐसे करेंगे ना, 3 प्लस
थ्री मल्टीप्लाई टू, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। इसका मतलब क्या है, क्या थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट, एट अपॉन थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन मल्टीप्लाई टू। अब इसका एलसीएम टू थ्री जा सिक्स, सिक्स आएगा एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू सिक्स, टू थ्री जा सिक्स। अभी आगे एट अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टू अपॉन टू प्लस सेवन अपॉन टू मल्टीप्लाई थ्री अपॉन थ्री, यहाँ पे हमें सेम करना पड़ेगा ना, सिक्स से लाना पड़ेगा, इसलिए अभी आ गया एट टू जा सिक्सटीन अपॉन सिक्स प्लस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन अपॉन सिक्स। आंसर हमारा आएगा थर्टी सेवन, थर्टी सेवन अपॉन सिक्स, ये एक आंसर हुआ। अभी देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ मिक्स्ड फ्रिक्शन में दिया गया है, तो आपको इसका मिक्स्ड फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। सो सिक्स अपॉन सिक्स, वन अपॉन सिक्स, ये हमारा मिक्स्ड फ्रिक्शन हुआ। सिक्स सिक्स है थर्टी सिक्स प्लस वन, अभी हमारा क्वेश्चन वन का लास्ट जो सम है वो है वे एट वन अपॉन टू माइनस थ्री फाइव अपॉन एट। सबसे पहले हम इसको फ्रिक्शन में प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में लिख लेते हैं, एट प्लस टू सॉरी एट मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस वन इज इक्वल टू सेवनटीन, सेवनटीन अपॉन टू माइनस थ्री एट जै ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू, ट्वेंटी फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन अपॉन एट। फ्रेंड्स एलसीएम निकालोगे, अभी फ्रेंड्स एक याद रखिएगा कि अगर एक ओड है एक इवन नंबर है तो आप क्या कर सकते, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा नंबर आपको आएगा टू एट, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसको एलसीएम ऐसे निकालना पड़ेगा जो हमने आगे निकाला था, ऐसा टू, टू वन जा टू, टू फोर जा टू, वन जा वन, तो ऐसे ही आएगा टू टू जा फोर वन वन, तो इसका आंसर आएगा टू 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 टू, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, सो आंसर आएगा एट, टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर, फोर प्लस टू, फोर मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू एट, एट हमें एल सी एम यहाँ पर मिलेगा। तो हम लिखते हैं एल सी एम इज इक्वल टू एट, एट एल सी एम हमें मिला, सेवन अपॉन टू मल्टीप्लाई फोर के साथ में करूँगा तो मुझे एट मिलेगा ट्वेंटी नाइन अपॉन एट। अभी आगे सेवनटी का टेबल हमें बोलना पड़ेगा, सेवनटी वन जा सेवन, सेवनटी टू जा थर्टी फोर, सेवनटी थ्री जा फिफ्टी वन, सेवनटी फोर जा सिक्सटी एट, सिक्सटी एट अपॉन एट माइनस ट्वेंटी नाइन अपॉन एट, सो सिक्सटी नाइन सिक्सटी एट में से आप ट्वेंटी नाइन अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे फाइव हो जाएगा, यहाँ पर एटीन हो जाएगा, यहाँ आएगा नाइन, फाइव में से टू यानी कि थ्री, थर्टी नाइन अपॉन एट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मिक्स फ्रिक्शन में है इसलिए हमें मिक्स फ्रिक्शन में इसको करना पड़ेगा, तो फोर सेवन एट, फोर एट जा थर्टी टू, थर्टी टू प्लस सेवन इज इक्वल टू थर्टी नाइन, सो ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मिक्स फ्रिक्शन में, मिक्स फ्रिक्शन में से आपको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई उसके बाद ऊपर वाला प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस याद रखिएगा, मल्टीप्लाई प्लस, उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम के बाद हम प्लस और माइनस कर सकते हैं।